हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई इंग्लिश स्टडी तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंटरचेंज की एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके सारे सॉल्यूशंस यानी सारे क्वेश्चंस के आंसर समझाने वाला हूं ये क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर थ्री वी जैसे ये कंप्लीट एक्सरसाइज है थ्री बी ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसिस फ्रॉम असल्टिव टू इंटेरोगेटिव यानी पूरे के पूरे सेंटेंसेस असर्टिव हैं इनको हमें इंटेरोगेटिव में इंटरचेंज करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल एवरीबडी लव्स टू बी प्रेज्ड हर किसी को अच्छा लगता है यानी अधिक पसंद आता है टू बी प्रेज्ड उसकी प्रशंसा की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा एवरीबडी की जगह पे हम हु लगा सकते हैं जैसे हु डज नॉट लव टू बी प्रेज्ड ओके या फिर इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है दोस्तों डज नो लव टू बी प्रेज्ड ध्यान रखनी रखिएगा कि जब भी हमारा पॉजिटिव टेंस है तो उसको हम इंटरचेंज इंटेरोगेटिव में करेंगे तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है ओके okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर एक बुद्धिमान व्यक्ति की हर जगह सम्मान किया जाता है बुद्धिमान व्यक्ति का तो आंसर क्या हो जाएगा इज अ वाइज मैन नॉट ऑनर्ड एनी एवरीवेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ यानी ड्रिंकिंग जो है हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है तो आंसर क्या हो जाएगा इज़ ड्रिंकिंग नॉट हार्मफुल फॉर फॉर हेल्थ क्या ड्रिंकिंग हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होती है ऑब्वियसली होती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर नो वन वुड लाइक टू बी इंसल्टेड कोई नहीं पसंद करता है कि उसकी इंसल्ट की जाए ओके okay. तो नो वन वाला केस है यहाँ पर हम सिर्फ हु लगा देंगे ओके okay. बाकी एज इट बुरा सेंटेंस लिख देंगे जैसे हु वुड लाइक टू बी इंसल्टेड ओके अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों नोवन की जगह एनी वन लगा के बुर वन लाइक टू बी इंसल्टेड ओके यानी नेगेटिव सेंटेंस था तो पॉजिटिव इंटेरोगेटिव बनेगा इसका ध्यान रखिएगा यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनता है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटरोगेटिव ओके नेक्स्ट सेंटेंस है मनी डज़ नॉट ग्रो ऑन ट्री पैसा पेड़ पर नहीं उगता है ओके तो इसको बनाते हैं दोस्तों डज को हम बाहर लिख देंगे डज मनी ग्रो ऑन ट्री यानी नेगेटिव था तो पॉजिटिव इंटेरोगेटिव बनेगा डज मनी ग्रो ऑन ट्री क्या पैसा पेड़ों पर उगता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्डवर्क ओके यानी कि बिना हार्डवर्क किए कोई सफलता नहीं मिल सकती आंसर क्या हो जाएगा कैन देयर बी एनी सक्सेस विदाउट हार्डवर्क तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों नो को हम किस में चेंज कर देंगे एनी में ओके अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर सेवन जॉयज एंड सोरोज गो टुगेदर दुख और सुख साथ साथ चलते हैं ओके तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डू जॉयज एंड सोरोज यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा डू जॉयज एंड सोरोज नॉट गो टुगेदर यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क ओके जरूर लगता है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट इवन आंट्स कैन टीच अ लेसन यहाँ तक के चीटी भी हमें एक पाठ या शिक्षा दे सकती हैं पाठ सिखा सकती हैं शिक्षा दे सकती हैं आंसर क्या हो जाएगा कैन इवन आंट नॉट टीच अस अ लेसन ओके तो कैन को हम आगे लिख देंगे बाकी नोट लगा देंगे इवन आंट के तुरंत बाद ओके यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस एनी वन विल ग्रो वाइज थ्रो एक्सपीरियंस ओके तो इसको इंटरचेंज करते हैं आंसर क्या होगा विल नो वन ग्रो वाइज थ्रो एक्सपीरियंस यानि कि विल को हम बाहर लगा देंगे और एनी वन को नो no वन में चेंज कर देंगे ओके okay? लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसको हम हु के द्वारा भी बना सकते हैं दोस्तों हु विल नॉट ग्रो वाइज थ्रो एक्सपीरियंस ओके यानी जितने भी हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं सब्जेक्ट की जगह पर तो उनकी जगह पर हम हु लगा सकते हैं ओके नेक्स्ट सेंटेंस है और लास्ट स्वीट म्यूजिक प्लीज इज एवरी वन यानी स्वीट म्यूजिक हर किसी को पसंद आता है यानी सुहावना लगता है या प्रसन्न करता है ओके तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज सॉरी प्लीज एवरी वन ओके बाय दोस्तों टेक केयर